हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं भाटापारा जा रहा हूं, वहां प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं, महापुराण कथा हो रहा है। तो आइए, मैं जा रहा हूं और आपको भी वहां का कथा सुनाऊंगा। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और आइए, फिर चलते हैं, मैं आप लोगों को फिर दिखलाऊँगा। जो कथाएं हैं उनके माध्यम से और हम सभी को भगवान के प्रति किस प्रकार आस्था रखना चाहिए, किस प्रकार हम हृदय से भगवान से जुड़ सकते हैं, ये सभी हमें पुंज गुरुदेव निरंतर बताते हैं। और किस तरह भगवान भले नाथ का विश्वास हमारा होता है और हमें किस प्रकार भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, तो कैसे हमारे छोटे हो या बड़े काले सभी भगवान पूर्ण करते हैं, सभी कथाएं जमा
जाएंगे तो निश्चित ही हमारे सारे कार्य वो सफल होंगे, क्योंकि ना महीनों की गिनती ना सालों का हिसाब मोहब्बत आज भी महाकाल से बाबा कमलेश्वर धाम
के संकल्प लिया और इसी क्रम में चिंता जाता हूँ जिन माताओं ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी धन राशि प्रदान करी उन सभी पवनधारी पंचधारी दाताओं के नाम स्वर्गीय श्री विजय गौतम जी भंडापारा सुंदर 5,000 परिवार द्वारा 500 रुपए की
उगादी से सदा पंचक्रम की जगह जन्म की महामाया मैया मानस मंडी द्वारा सदा पंचक्रम की जगह जन्म की दस्तरी की कज्जा करोड़ी मंडी द्वारा रायगढ़ जन्म पंचक्रम की जगह की बाबा कोरेश्वर नाम से जन्म की Thank you.
रमेश कुमार जी बताओ राजधानी मध्य प्रदेश से आप सभी और आप कहा थे श्री शिवाय नमस्कार।